पी एस वाई फाइव जीरो फोर कॉग्नेटिव साइकोलॉजी लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री मेमरी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमरी क्या होती है मेमरी दैट यूज टू फंक्शन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमरी नॉट द सेम थिंग एज रिमेम्बरिंग वट हैड यस्टरडे एज अपोज टू अ लॉन्ग टाइम अगो ऐसी मेमोरी जिसे हम काम करते वक्त इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है रिमेम्बरिंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी एक जैसी मेमोरी नहीं है अगर हम ये सोचें कि कल क्या हुआ था तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं है वो इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन चुका है लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ एन इनफाइनाइट स्टोर हाउस शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ लिमिटेड इन कैपेसिटी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेसन स्टोर हो सकती है लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो लिमिटेड कैपेसिटी है उसकी वजह से इसके अंदर एक वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं काम कर सकती यूज़िंग कंप्यूटर एनालॉजी, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी कंपेयर्ड टू रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है इसी तरह इंसान की जो शॉर्ट टर्म मेमरी है उसको और रैम को जो है आपस में कंपेयर किया जा सकता है ये दोनों एक तरह की मेमोरीज हैं अटेंशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमरी अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमरी बिकॉज वी कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट पेइंग अटेंशन For instance, if we are adding two numbers without attention, we cannot add them. किसी चीज़ के ऊपर तवज्जा देना शॉर्ट टर्म मेमरी का बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि हम कोई भी काम तवज्जो के नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम बगैर तवज़ा दिए बग़ैर अटेंशन दिए उन दो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते वर्किंग मेमरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कागनेटिव साइकोलॉजी अलॉन्ग विद अटेंशन अटेंशन के साथ साथ वर्किंग मेमरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काग्नेटिव साइकोलॉजी के अंदर द मेमरीज दैट आर करंटली एक्टिव आर ऑफन रेफर्ड एज वर्किंग मेमरी बिकॉज दे आर द नॉलेज विच वी कैन करेंटली वर्क विद वो मेमोरीज जो इंसान फ़िलहाल यानी करंट वक्त में काम करते हुए इस्तेमाल कर रहा हो वो इसकी वर्किंग मेमोरी कहलाती है वर्किंग मेमोरी पुल आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी आल्सो अंडरस्टैंड अवर इंफॉर्मेशन एंड इनपुट बट वर्किंग मेमोरी डज नॉट डू मोर वर्क एट द सेम टाइम बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमरी इज़ लिमिटेड इन कैपेसिटी वर्किंग मेमोरी जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को निकालती है उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करती है और करंट टास्क को परफॉर्म करने में मदद देती है इसके साथ साथ अगर हमें एनवायरनमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको भी अंडरस्टैंड करती है और उसको जो है वो सेव करने के लिए भी इस्तेमाल होती है यानी कि अगर हम चाहते हैं कि उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी मुस्तकबिल के लिए इन्फॉमेसन को सेव करें तो वहाँ पे भी पहले मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी और हम कुछ टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और उसके बाद वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी इसलिए कहा गया है कि वर्किंग मेमोरी जो है वो इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने और उसको इनपुट करने का काम भी करती है लेकिन वर्किंग मेमोरी एक वक्त में ज़्यादा इंफॉर्मेशन और कामों पर वर्क नहीं कर सकती क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है कॉगनेटिव साइकोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर दिस काइंड मेमोरी, बट सम टाइम यूज़ अ टर्म शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी कॉग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस तरह की मेमोरी के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी का लफज इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी कभी वो इसके लिए शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी का भी लफज इस्तेमाल करते हैं वर्किंग मेमोरी ऑपरेट्स इन द प्रेजेंट मोमेंट दिस इज़ आल्सो कॉल्ड हेयर एंड नाउ यानी वर्किंग मेमोरी जो है वह इंसान के हाल यानि जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर काम करती है इस वजह से इस मेमरी को हेयर एंड नाव भी कहते हैं अब हम बात करते हैं एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी। एटकिंसन एंड शिफ्रिन जो थे उन्होंने मल्टी स्टोर मॉडल दिया था मेमोरी का और ये एक स्ट्रक्चरल मॉडल था जिसके अंदर तीन उन्होंने स्टोर्स बताए थे मेमोरी के पहला उन्होंने स्टोर बताया था सेंसरी रजिस्टर दूसरा उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमरी एंड थर्ड उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमरी एटकिंसन एंड शिफ्रिन प्रजेंटेड अ मेमरी मॉडल फ़र्स्ट ऑफ ऑल द इनपुट कम्स इन सेंसरी रजिस्टर फ्राम इन्वायरमेंट दिस इन्फॉर्मेशन मे बी विजुअल और ऑडिटरी ई टी सी दैन दिस इनपुट गोज़ टू शॉर्ट टर्म मेमरी यानि हमारे माहौल से जो है सेंसरी रजिस्टर के अंदर इन्फॉर्मेशन आती है और यह इन्फॉर्मेशन हम अपने फाइव सेंसिस को यूज़ करते हुए हासिल करते हैं इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो चली जाती है शॉर्ट टर्म मेमरी के अंदर सम टाइम वी लिसन अ वर्ड दैट वी हैव लिस अ गो इट हैज़ बीन स्टोर इन अवर लॉन्ग टर्म मेमरी शॉर्ट टर्म मेमरी पुल आउट इन्फॉर्मेशन फ्राम लॉन्ग टर्म मेमरी एंड मैच दिस इन्फॉर्मेशन विद इन्वायरमेंटल इनपुट और इन्फॉर्मेशन एंड देन रिस्पॉन्स आउटपुट कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई लफ्ज सुनते हैं और वह हमें लफज याद आता है कि हमने ये लफज पहले भी सुना था तो so, हमें वो लफ्ज़ कैसे याद आता है क्योंकि वो लफ्ज़ हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो सेव हो चुका होता है और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उस लॉन्ग टर्म मेमोरी से उस लफ्ज़ को फ़ौरन से बाहर निकाल के लेके आती है और जो हमें माहौल से इंफॉर्मेशन मिली होती है उसके साथ उसको मैच करती है इस तरह से हमें पता लगता है कि ये लफ्ज़ हमने पहले भी सुना हुआ था इन शॉर्ट टर्म मेमोरी देयर आर कंट्रोल प्रोसेसेस दीज प्रोसेसेस हैपन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी दीज आर रिहर्सल कोडिंग डिसीजंस एंड रिट्रीवल स्ट्रेटजीज इन्होंने कहा है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो है वो कंट्रोल प्रोसेस होते हैं और इनके अंदर जो है वो रिहर्सल कोडिंग डिसीजन एंड रिट्रीवल स्ट्रेटजीज शामिल हैं लाइक वन समवन टेल्स अस टेलीफोन नंबर वी वॉन्ट टू स्टोर इट इन अवर मोबाइल अंटिल वी डू नॉट स्टोर दिस नंबर वी रिहर्स द नंबर इन अवर माइंड If we want to remember the information for long term, we code that information in some way. We make decisions about information at our short term memory stage or short term memory makes decisions. The strategies of revision are also present in our short term memory. For example, if we are shopping the things in market, we make decisions to buy the things. जब हमें कोई अपना नंबर बताता है हम उस नंबर को सेव करने के लिए मोबाइल ओपन कर रहे होते हैं उस प्रोसेस के दौरान हम उस नंबर को अपने माइंड में बार बार रिहर्स कर रहे होते हैं ताकि वो हमें नंबर भूल ना जाए सो so, हम लोग शॉर्ट टर्म मेमरी जो है उसको उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं नंबर को रिहर्स करने के लिए और जब हम नंबर सेव कर लेते हैं उसके बाद हम उसको रिहर्सल करना बंद कर देते हैं और हमें नंबर भूल जाता है इसी तरह अगर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन को किसी तरह से अपने माइंड के अंदर कोड करने की कोशिश करते हैं सो so, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है जैसे कि अगर मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ तो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इसको आप कोड करने के लिए इसको हमेशा के लिए सेव करने के लिए आप कुछ प्रोसेस करोगे आप पढ़ोगे आप री re रीड करोगे आप राइटिंग करोगे तो ये सारे प्रोसेस जो हैं उस मेमरी को याद रखने के लिए हैं ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म में चली जाए और जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप आप उसको दोबारा से अपने माइंड में जो है लेकर आ सको और इस्तेमाल कर सको हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो डिसीजंस का भी काम करती है यानी इसमें हम लोग इस चीज़ का फैसला करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन का अब हमने क्या करना है इसके अलावा जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसके अंदर रिवीजन करने की भी एक एबिलिटी मौजूद होती है मिसाल के तौर पर अगर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग जो है डिसीजन लेते हैं और सोचते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी और ये डिसीजन का जो प्रोसेस है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हो रहा होता है सो द शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन अवर मेमोरी वी डू ऑल थिंग्स इन अवर शॉर्ट टर्म मेमोरी अवर करंट इन्फॉर्मेशन गोज़ इन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी कम्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी for example a depressive patient remind all his or her past life events that make him or her more depressive so therapists help patient to forget old things these old things are stored in long-term memory इसमें कहा गया कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है मेमोरी की टाइप्स में से क्योंकि हमारे जो तमाम काम होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हो रहे होते हैं जो भी हमें इंफॉमेसन करंटली मिल रही होती है वो सबसे पहले जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाती है और उसके बाद वहाँ से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है या अगर हमारे पास पहले से मौजूद अगर कोई इन्फॉमेसन है और हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है एंड देन फिर हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर जब अगर अगर हम किसी डिप्रेसिव पेशेंट की बात करते हैं तो डिप्रेशन क्या होता है कि इंसान को अपने पास के वाकयात और खास तौर पर ऐसे वाकयात जो कि बैड मेमरीज़ होती हैं वो बार बार याद आ रहे होते हैं और उनको याद करके इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पा रहा होता सो यहाँ पे थेरेपिस्ट की कोशिश ये होती है कि वो अपनी पुरानी माजी की तल्ख बातों को जो है वो भूल जाए और जो उसकी इन्फॉमेसन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुई हुई है उन चीज़ों को वो जो है दोबारा से स्टोर ना कर सके यानी उसकी दोबारा से जो वर्किंग मेमोरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन ना आए ताकि वो उनफॉमेसन की वजह से डिप्रेशन का जो शिकार हो चुका है वो उसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाए जब इंसान को ज़ाहरी सी बात तल्ख तो बातें याद नहीं आएंगी तो वह इंसान के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे रोना धोना भूख ना लगना सुसाइड अटैम्प्ट करना ये तमाम चीज़ें उसके ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी